गुडोक्सिल 500 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है लुपिन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, सिपरड्रोक्सन 500 mg रहता है। और इस टेबलेट का MRP की बात करूँ तो इसका MRP 49.72 रुपीज़ रहता है। ये टेबलेट जो कि ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता है बॉडी के अंदर। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको ओडोसिल 500 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ओडोक्सिल 500 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है लुपिन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। सिपरड्रोक्सन 500 mg रहता है और ये 49 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है, मतलब 50 रुपये के करीब इसका स्ट्रिप का MRP रहता है। जो कि ट्रीटमेंट करता है एक एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज़ किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। यह इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करता है थ्रोट, ईयर, यूरिनरी ट्रैक, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको मारता है और इम्प्रूव करता है उसके सिम्टम को और क्योर करता है उसके इन्फेक्शन को। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाला एक टैबलेट है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि स्किन पर रैशेस आना, वॉमिटिंग होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, पेट में दर्द होना, नोजिया होना, डायरिया होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोलते हैं तो उतना ही लो, तोड़ के वगैरह नहीं लो और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखो ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ओडोक्सिल 500 mg टैबलेट काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो सिपरड्रोक्सिल डाला गया है 500, जो कि एक एंटीबायोटिक से जो कि किल करता है बैक्टीरिया को और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के सेल्स वाल को, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता और उसका ग्रोथ नहीं होता और उसका स्प्रेडेबिलिटी नहीं होता। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।